उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें क्या जीत गई समाजवादी पार्टी, अपने आप को तुर्रम खा समझने लग गई। समाजवादी पार्टी को ऐसा लगने लगा कि अब तो उपचुनाव भी हमारा है और विधानसभा चुनाव भी हमारा है। लेकिन ये गलती कर रही है समाजवादी पार्टी बीजेपी को हल्के में लेके। और अब उत्तर प्रदेश में कमान किस तरीके से संभाल ली है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये एक बहुत बड़ी बात है। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने खुद संभाल ली है अब अयोध्या की कमान। दोनों डिप्टी सीएम को भी अहम जिम्मेदारियां मिल गई हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाना शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम सदस्य पुरानी तल्खियों को छोड़ आगे की तैयारी में जुट गए। लखनऊ में सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सीएम आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहे। अपने दर्शकों को बता दें, अयोध्या में हार के बाद मिल्कीपुर सीट जीताने की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। इस सीट पर पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यहां पर सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे, उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। ऐसे में ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इस सीट की अहमियत को देखते हुए सीएम योगी के कंधों पर इसे जिताने की जिम्मेदारी बन गई है। मिल्कीपुर के साथ साथ अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की कमान भी सीएम योगी के हाथ में आ गई। सीएम योगी इसी सिलसिले में अयोध्या दौरे पर भी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझवा की जिम्मेदारी दी गई। इन सीटों पर पूरा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो गलतियां हमसे पहले हो गई थी उस गलती को अब दोहराया नहीं जाएगा और बीजेपी इस उपचुनावों को जीत कर भी दिखाएगी और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनेगी।